एशिया कप 2018 की शुरुआत आज से हो रही है, जहां पर पहले मैच में आज श्रीलंका और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। मगर दर्शकों को जिस मैच का सबसे ज्यादा इंतजार है वो 19 सितंबर को खेला जाना है। जी हां, आपको बता दें कि 19 सितंबर को करीब एक साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ऐसे में इस खास रिपोर्ट में हम आपको इन दोनों ही टीमों के बीच यूएई में खेले गए मुकाबलों के आंकड़े के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में भारत और पाकिस्तान के बीच 26 मैच खेले गए हैं, जिसमें पलड़ा पाकिस्तान का भारी रहा है। पाकिस्तान ने 26 मैचों में 19 जीते हैं, जहां पर भारत के हाथ सिर्फ 7 बार ही जीत लगी है, यानी कि पूरी तरह से पाकिस्तान का दबदबा टीम इंडिया पर रहा है। वेल, आपको बता दें कि ये आंकड़े तो शारजा के हैं, लेकिन अगर एशिया कप के आंकड़ों की बात की जाए तो एशिया कप के आंकड़ों में भारत का पलड़ा थोड़ा सा पाकिस्तान पर भारी है। एशिया कप में खेले गए 12 मैचों में टीम इंडिया ने 6 बार पाकिस्तान पर जीत दर्ज की है और पाकिस्तान ने 5 बार टीम इंडिया से मैच अपने नाम किया है। अब बड़ी बात यह है कि इस बार 19 सितंबर को होने वाला महामुकाबला क्या नया मोड़ लेता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।